सिस्टम। प्रीवियस चैप्टर्स में आपने हार्डवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा, प्रोग्रामिंग पढ़ी, डेटाबेस क्या होता है ये देखा आपने, इंटरनेट के बारे में पढ़ा। अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक अलग एस्पेक्ट को देखने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 6 इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम बात करें। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, ये चैप्टर आपके आईसीएसआई मॉड्यूल में सबसे फर्स्ट चैप्टर रखा गया है, लेकिन मैंने इसे अपने स्टडी मटेरियल में आपको चैप्टर नंबर 6 में रखा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग पहले आपको यह मालूम होना चाहिए था कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, उसके कंपोनेंट जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, उसके बाद जब आपको मालूम है कि डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, टूल्स कैसे हम यूज करते हैं, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसके बाद ये चीज आपके कोर्स में आनी चाहिए थी। तो उसी कंटेंट को जो आईसीएसआई के मॉड्यूल में रखा गया है उसे मैंने अपने वे में, ठीक है, इस चैप्टर को आपको मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 1 से इसे मैंने पायदान या चैप्टर नंबर 6 पे पहुंचा दिया है। तो यहां पे अगर हम देखें इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आप देख रहे हो कि यहां पे दो टर्म आ रहा है, एक टर्म आ रहा है इंफॉर्मेशन और दूसरा टर्म आ रहा है सिस्टम। तो जैसे ही स्टार्टिंग से हमारी हैबिट रही है कि पहले हम चीजों को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद उन अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करते हैं, उन्हें डीप में देखते हैं और फिर वापस लाकर चीजों को एक साथ मर्ज कर देते हैं, तो कुछ ऐसा ही हम यहां पर करेंगे। तो इस चीज के लिए अगर हम देखें तो ये जो दो आपके अलग अलग टर्म यूज हुए हैं, इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिस्टम के बारे में, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम आएंगे कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिस्टम के बारे में आउटलाइनिंग देना चाहूंगी, जो कि हम हर चैप्टर में करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, आपको पहले से ही अगर स्टेशन के नेम मालूम है, ठीक है, तो आप बहुत कंफर्टेबल रहते हो कि अच्छा अब हम इतने स्टेशन को पार कर चुके हैं, अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेशन ये है। तो वो चीज पहले मैं आपको यहां पे आउटलाइनिंग दूंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां पर अगर हम सिस्टम की बात करें, अगर हम केवल सिस्टम की बात करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि सिस्टम में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं नंबर 1 सिस्टम की। सिस्टम को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, कौन कौन से छोटे छोटे से पड़ाव आएंगे जिनके बाद हमें पूरी तरीके से समझ में आने लगेगा कि बेसिकली सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम बात करेंगे जर्नल मॉडल ऑफ सिस्टम, इसके बाद हम बात करेंगे जर्नल मॉडल ऑफ सिस्टम। इसे समझने के बाद हम बढ़ेंगे
करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं, इसकी ओर हम बढ़ेंगे। एंड जब हम ये पढ़ चुके होंगे तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो डियर, यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो सिस्टम के बारे में कॉन्सेप्ट है वो मैच्योर हो चुका होगा और हम यहां तक सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। तो सिस्टम के लिए ये आपके छोटे छोटे पड़ाव हैं जिन्हें हम आज पार करेंगे। तो चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम पे। हम बात करते हैं सिस्टम कॉन्सेप्ट की, हम बात कर रहे हैं सिस्टम कॉन्सेप्ट की, और पहले हम जेनरिक वे में, जर्नल वे में सिस्टम को समझेंगे कि बेसिकली सिस्टम होता क्या है। तो ये जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ये हमारा जर्नल कॉन्सेप्ट है, ये हमारा जर्नल कॉन्सेप्ट है जिसे कि हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो भाई सिस्टम क्या होता है, तुम अगर देखो सिस्टम के बारे में आए दिन हम बात करते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो हम परेशान रहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। अक्सर क्या होता है, मॉर्निंग में न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाएंगे, ठीक है, और चाय पीते रहेंगे, और चाय पीते पीते हम बात क्या करते हैं कि यार आजकल के ना पॉलिटिकल सिस्टम को क्या हो गया है, सिस्टम तो बहुत ही खराब है, ठीक है। तो तुम देखते हो रोजमर्रा में तुम्हारी जो वर्ड है, एक ये जो नॉर्मल वर्ड है सिस्टम, तुम इसे यूज करते हो, और इंफॉर्मेशन के साथ तो तुमने इसका यूज बहुत ज्यादा सुना होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। एक कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम यहां पर उसकी भी बात करेंगे कि व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि अभी आप इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भूल जाओ, इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो डियर, अभी हम केवल देख रहे हैं कि सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सिस्टम हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को जब हम समझ लेंगे तो उस सिस्टम को हम फिर किसी भी वर्ल्ड के साथ जोड़कर इजिली समझ सकते हैं, ठीक है। तो यूज तो हम रोजमर्रा में इसे करते हैं, बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं, लेकिन आज तक हमारा ध्यान इस पर नहीं गया था कि एक्चुअल में अगर सिस्टम को डिफाइन करना हो तो डियर इस सिस्टम की क्या डेफिनेशन आप दोगे, इसे कैसे डिफाइन करोगे। कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड, और क्या होना चाहिए यहां पर, इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड, इसके बाद यहां पर क्या आना चाहिए, एक और टर्म आएगा,
and interdependent, interrelated, interconnected, and interdependent. Kya interrelated, interconnected and interdependence? ठीक है, क्या चीज है जो interrelated है, interconnected है और interdependent है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिस्टम के एलिमेंट्स की. हम बात कर रहे हैं सिस्टम के एलिमेंट्स की. तो आप देख रहे हो अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड, इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स. ठीक है, क्या करते हैं? दैट ऑपरेट्स कलेक्टिवली, मिलकर काम करते हैं, जो कि मिलकर काम करते हैं. क्यों करते हैं? टू अकम्प्लिश. क्या करने के लिए काम करते हैं? क्या चीज पूरा करना चाहते हैं? टू अकम्प्लिश सम कॉमन पर्पस और गोल. टू अकम्प्लिश सम कॉमन पर्पस और गोल. तो ये हमने डेफिनेशन देखी. हम सिस्टम को कह रहे हैं कि सिस्टम क्या होता है. सिस्टम होता है सबसे पहली बात अ सेट ऑफ तीन इंपॉर्टेंट चीजें. क्या इंपॉर्टेंट चीज है? इंपॉर्टेंट चीजें आपकी क्या है? ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? इंटररिलेटेड. इंटररिलेटेड मतलब कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं. ठीक है, इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. इंट्रैक्शन होता है इनमें आपस में. ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ये एलिमेंट्स मिलकर काम करते हैं. ऑपरेट्स कलेक्टिवली या वर्किंग टुगेदर, मिलकर काम करते हैं. क्यों मिलकर काम करते हैं? क्योंकि उन्हें एक कॉमन गोल को पूरा करना होता है. क्योंकि उन्हें एक कॉमन गोल को पूरा करना होता है, इसलिए वो क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं. तो अगर हम आ जाएं इसकी डायग्रामिक अप्रोच पर, तो हम इसे देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है. सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं, या हम कह सकते हैं वर्किंग टुगेदर. ऑपरेट्स कलेक्टिवली और वर्किंग टुगेदर. क्यों मिलकर काम करते हैं? एक पर्टिकुलर गोल के लिए. एक पर्टिकुलर कॉमन टास्क को पूरा करने के लिए ये मिलकर काम करते हैं. तो इस तरीके से हम सिस्टम को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो मिलकर काम कर रहे हैं. क्यों मिलकर काम कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर गोल को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये ब्रेकअप्स देख लिए. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हम अपनी फैमिली की बात करें, तो ये जो सोसाइटी में फैमिली का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली क्या है? एक सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है. यहां पे एलिमेंट्स क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट्स, हमारे फैमिली मेंबर्स. ठीक है, एक फैमिली को चलाने के लिए वो सब क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं. क्यों मिलकर काम करते हैं? ताकि वो फैमिली अच्छे से सर्वाइव कर सके. ठीक है, फादर मदर जो उनके बच्चे हैं वो सब मिलकर रहते हैं. ठीक है, वो क्या है? एलिमेंट्स हैं.
वो सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है। फादर क्या रहता है, हेड ऑफ द फैमिली रहता है, वो अर्निंग करता है। मदर क्या होती है, वो इंटरनल मैनेजमेंट को संभालती है, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर गोल के लिए होता है ताकि वो फैमिली क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, डियर। तो यहां पे आप देख रहे हो कि सिस्टम, फैमिली क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। और किस चीज को आप सिस्टम कह सकते हो, और किस चीज को आप सिस्टम कह सकते हो, तो अगर हम यहां पर देखें, सिस्टम हम बहुत सारी चीजों को कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें तो एक एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, डियर, तो हमारी जो बॉडी है वो भी क्या है, एक सिस्टम है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये भी क्या है, डियर, एक सिस्टम है। आप इसे देखो, इस सिस्टम में क्या है, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, आप इन्हें कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो। ईयर है, नोज है, लिप्स है, ठीक है, लेग्स है, हैंड्स है, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें डियर सब सिस्टम भी आता है। हार्ट की बात करें, हार्ट क्या है, एक सब सिस्टम है, उसके अपने कंपोनेंट्स हैं ताकि वो फंक्शन कर सके, ठीक है। और ये सारे मिलकर काम क्यों करते हैं, ये सारे मिलकर काम इसलिए करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर गोल जो है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर गोल है वो पूरा हो सके। क्या है पर्टिकुलर गोल, पर्टिकुलर गोल आपका ये है कि आप जो है वो एक ह्यूमन लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सके, प्रॉपर अच्छे ढंग से सर्वाइव कर सके, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसे हम अगर चार्ट फॉर्म में देखें, चार्ट फॉर्म में देखें तो एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, एलिमेंट्स में आप ले सकते हो हेड, हैंड्स, ईयर, हार्ट, ब्रेन, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन, इन चीजों को आप एलिमेंट्स में ले सकते हो। ये सारी चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं, क्यों मिलकर काम करती हैं, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्यों मिलकर काम करती हैं, ताकि एक ह्यूमन लाइफ सर्वाइव कर सके। तो आप यहां पे देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल, ठीक है। और क्या हम एग्जांपल उठा सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक कंप्यूटर किन किन चीजों से बना होता है, ठीक है, उसमें मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। अगर आप देखें तो प्रॉपर उसमें बहुत सारे हार्डवेयर होंगे, प्रिंटर होगा, मॉनिटर होगा, माउस होगा, वो सारे क्या है, हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मतलब विंडोज होगा या मैक होगा, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और इसके अलावा क्या हो सकता है, वेरियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वेरियस सॉफ्टवेयर मींस आपके अदर सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप बात कर लो एमएस ऑफिस की, ठीक है, एमएस ऑफिस होता है। आप बात कर लो, आप कोरल पे वर्क कर रहे हो, कोरल सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, वेरियस सॉफ्टवेयर जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में टैली है, ठीक है, टैली क्या करता है भाई, आपके अकाउंट से रिलेटेड जो है सारी काम करता है। तो आप देखते हो कि एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या चीजें होती है, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है आप देखते हो, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सीपीयू होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। ये सारे मिलकर काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर, क्यों काम करते हैं, ताकि रिपोर्ट्स बन सके, प्रोसेस्ड, डेटा जो है वो क्या है बाहर आ सके, प्रोसेस डेटा जो है वो बाहर आ सके। तो कंप्यूटर सिस्टम में भी आप देख रहे हो, ठीक है, वेरियस क्या है, एलिमेंट्स है, वो मिलकर काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्ट्स जनरेट करना, प्रोसेस डेटा जो है वो तैयार करना, ठीक है। तो ये आपका एक क्या कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम भी आपका क्या कर रहा है, उसके सारे एलिमेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कंप्यूटर सिस्टम। तो डियर यहां पे भी आपने देखा कि सिस्टम की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो यहां पर अप्लाई होती है, ठीक है। और हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हम बात करते हैं हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, हम बात करते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप देखते हो, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा क्या जाता है, ह्यूमन रिसोर्स, मैन, मशीन, मशीन्स, पावर, इलेक्ट्रॉनिक पावर, और क्या चाहता है, कैपिटल, अलग अलग आपको क्या है रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, मे बी टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है आपके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की सारी जो एलिमेंट्स होते हैं ये मिलकर काम करते हैं, क्यों मिलकर काम करते हैं डियर बताइए, एक बिजनेस में ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ये क्यों मिलकर काम करते हैं, ये भी सारे रिसोर्सेज एक साथ आकर मिलकर काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर, व्हाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये सारे एलिमेंट्स मिलकर डियर काम करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ताकि जो एक बिजनेस है उसमें प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो आप देख रहे हो ये जो सिस्टम वर्ड है ये लगभग हमारे चारों ओर होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल सिस्टम होता है, गॉड है, उन्होंने इतने अच्छा सिस्टम
जो है पूरा बना रखा है हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है। तो हर जगह आप अपने चारों ओर देखोगे, जहां पे भी ये डेफिनेशन अप्लाई होती है कि कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मिलकर काम कर रही हैं। क्यों मिलकर काम कर रही हैं? एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो आप वहां देखोगे कि वहां पे क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आपने जर्नल व्यू की बात कर ली, अब हम थोड़ा सा आगे देखें, तो अब हम आएंगे थोड़ा सा टेक्निकल व्यू में। हम देखें तो सिस्टम की एक और डेफिनेशन दी जा सकती है। अब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब हम सिस्टम को और करीब से जाने। अब क्या डेफिनेशन लिखी दी है, अब इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब दूसरे शब्दों में उसी सिस्टम को, ठीक है, फिर से देखते हैं। अब हम उस मैच्योरिटी लेवल पर आ चुके हैं। तो डियर, अब क्या लिखोगे? ये जो भी डायग्राम्स अभी मैंने बनाए, इसमें ऐसे ही मिलता जुलता एक और डायग्राम तुमने जगह जगह देखा होगा। तो अब हम सिस्टम को थोड़ा दूसरे शब्दों में और जानने की कोशिश करते हैं। होता नहीं है कि एक बंदे को अलग अलग एस्पेक्ट से देखते हैं, जितने एस्पेक्ट से देखते हैं उतना हम उस बंदे को करीब से क्या है जानने लगते हैं। तो चलिए हम सिस्टम को भी ऐसे ही स्टडी करते हैं। तो अब मैं क्या लिखूं, अ सिस्टम इंक्लूड्स सम इनपुट्स। एक सिस्टम में कुछ इनपुट्स होते हैं विच अंडरगो थ्रू प्रोसेसिंग, जो कि किसी प्रोसेसिंग में जाते हैं। क्यों भाई, क्यों प्रोसेसिंग में जाते हैं? हमने पढ़ा सारे एलिमेंट्स मिलकर साथ में काम क्यों करते हैं, तो हमने देखा टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड था, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड हार्डवेयर। इनपुट टर्म से आपको एक चीज याद आ गई होगी, सारे इनपुट्स किसके लिए काम करते हैं, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट, एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए काम करते हैं। तो अब आपने सेम चीज को, जो सिस्टम हमने अभी पढ़ा था, हमने पहले क्या पढ़ा डियर, हमने देखा अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड, अभी हम इन एक एक वर्ड्स को उठाएंगे, ठीक है, इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित, इंटरकनेक्टेड, जो आपस में कनेक्टेड है, जिनका आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद हमने क्या देखा, इंटरडिपेंडेंट, जो कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है, ठीक है। वो सब चीजें मिलकर काम करती हैं। मिलकर काम क्यों करती हैं? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहां पे भी आप देख रहे हो, अ सिस्टम इंक्लूड्स सम इनपुट्स व्हिच अंडरगो थ्रू प्रोसेसिंग टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो यही चीजें हमने देखी थी, सेट ऑफ एलिमेंट्स। हम पहले किसे कह रहे थे, हम इनपुट्स की बात कर रहे थे। वर्किंग टुगेदर हम किसे कह रहे थे, हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे। और एक पर्टिकुलर जो गोल, कॉमन गोल जो था, उसमें हम बात कर रहे थे आउटपुट की, ठीक है। तो आप सेम चीज को कैसे बना सकते हो, आप सेम चीज के लिए डायग्राम कैसे बना सकते हो? तो आप देखोगे कि अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इनपुट प्रोसेसिंग और आप क्या देखोगे,
आउटपुट। तो यहां पे क्या होता है कि हम इनपुट्स डालते हैं, क्यों डालते हैं, प्रोसेसिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आउटपुट आना, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आउटपुट आना, ठीक है। तो इसी चीज को हम पहले क्या बोल रहे थे, यहां पे मैं लिख रही हूं सेट ऑफ एलिमेंट्स, डियर इसको हम इनपुट्स को पहले क्या बोल रहे थे, सेट ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे हम किसकी बात कर रहे थे, वर्किंग टुगेदर। यहां पे हम किसकी बात कर रहे थे, वर्किंग टुगेदर। और आउटपुट यानी कि हम किसकी बात कर रहे थे, गोल। सारे एलिमेंट्स मिलकर काम कर रहे थे एक पर्टिकुलर गोल के लिए। तो आप अब सिस्टम को इस तरीके से भी देख सकते हो। टेक्निकली अगर कहीं पे सिस्टम डिफाइन किया जाता है तो डियर वो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के टर्म में डिफाइन किया जाता है। तो ये देखा हमने सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हमारा यहां पे कॉन्सेप्ट का पड़ाव खत्म होता है। अब हम आते हैं और इसे समझने के लिए नेक्स्ट पड़ाव की ओर, जिसे हम बोलेंगे जर्नल मॉडल ऑफ। अब हम बात करेंगे जर्नल मॉडल ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। तो अब आप यहां पे देख रहे हो, क्या देखा आपने सिस्टम में, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। आपने क्या देखा, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है। ये हमारा क्या था, एक मॉडल ऑफ सिस्टम था, ठीक है। मॉडल ऑफ सिस्टम में क्या होता है, इनपुट्स होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप इनपुट क्या डालते हैं, ठीक है, आप रिसोर्सेस को यूज करते हैं। रिसोर्सेस क्या होता है, मैन पावर होती है, फाइनेंस होता है, मशीनरी होती है, ठीक है। इन रिसोर्सेस को आप यूज करके उस पर प्रोसेसिंग करते हो, ठीक है। रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल पे आप प्रोसेसिंग करके उसे किस में कन्वर्ट करते हो, फिनिश गुड्स में करते हो। कन्वर्जन में कुछ कंपोनेंट्स हैं जो सहयोग करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं डियर, जैसे मैन पावर हो गया, मशीन हो गया, यानी कि फिर से वही चीज कि डियर मिलकर काम करते हैं। क्यों मिलकर काम करते हैं डियर, आउटपुट के लिए, ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या करवाई जा सके, वो प्रोवाइड करवाई जा सके। तो वो क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें नहीं है, वो मैं लिखने जा रही हूं, क्या चीज नहीं है, फीडबैक। क्या नहीं था इसमें, फीडबैक। फीडबैक अगर आप देखो, ठीक है, अभी मैंने बात की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, अभी मैंने बात की आपसे ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। इन दोनों सिस्टम के लिए अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो इन दोनों सिस्टम के लिए एक और टर्म मैं यूज करूंगी, ओपन एंड कॉम्प्लेक्स। दो टर्म यूज करूंगी, ओपन एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है। ये दोनों ही सिस्टम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, वो क्या है, ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम। अभी हम टाइप्स ऑफ सिस्टम में भी आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता क्या है, एक बिजनेस में होता यह है, इनपुट्स आप लगा रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल से आप कुछ बना रहे हो प्रोसेस करके, ठीक है। वो गुड्स एंड सर्विसेज कहां जाएंगी, सोसाइटी में जाएंगी, किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है। अब उन गुड्स एंड सर्विसेज का लोगों ने फीडबैक कैसा दिया, मे बी वो गुड्स और सर्विसेज लोगों को बहुत पसंद आए, ठीक है, वो परचेज करने लगे, उसकी माउथ पब्लिसिटी हुई और लोगों ने परचेज किया, तो इसका मतलब फीडबैक क्या है, पॉजिटिव है, सेम इनपुट चलता रहेगा। लेकिन अगर फीडबैक नेगेटिव होता है, ठीक है, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
इस चीज को समझते हुए अपने इनपुट्स में क्या लाती है, चेंजेस लाती है डियर, अपने इनपुट्स में चेंजेस लाती है। आपने कहीं पढ़ा होगा सीएस के फाउंडेशन कोर्स में मैनेजमेंट में एक टॉपिक रहता है चेंज मैनेजमेंट, आपने सुना होगा, नहीं तो चेंज मैनेजमेंट। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्वाइव करना है ठीक है, तो उसे चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना होता है, अपने आप को बदलना होता है अगर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना चाहती है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम ठीक है, जहां पे वो जो आउटपुट्स हैं वो कहां जा रहे हैं, एनवायरमेंट में जा रहे हैं, मतलब लोगों के बीच में जा रहे हैं, जहां पे सिस्टम एग्जिस्ट करता है उस एनवायरमेंट के साथ सिस्टम क्या कर रहा है, इंट्रैक्ट कर रहा है ठीक है, आउटपुट एनवायरमेंट में जा रहे हैं और उस आउटपुट के रिगार्डिंग क्या आ रहा है, फीडबैक आ रहा है ठीक है। फीडबैक अगर नेगेटिव है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगी, चेंज करेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, सर्वाइव करना है। तो आप जनरल मॉडल ऑफ सिस्टम में ये देखते हो कि वहां पे एक फीडबैक एलिमेंट क्या है और रहता है, एक फीडबैक एलिमेंट और रहता है जिसके अकॉर्डिंग उस सिस्टम को क्या करना रहता है, वर्क करना रहता है। तो जब भी आप पूरे एक मॉडल की बात करोगे, सिस्टम के जनरल मॉडल की बात करोगे, तो ये भी जो आपका टर्म है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है, ये भी आपका जनरल मॉडल ऑफ सिस्टम में आएगा। एक और टर्म रहता है जो कहीं कहीं डिफाइंड रहता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं स्टोरेज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखें, रॉ मटेरियल की स्टोरेज रहती है, फिनिश गुड्स की स्टोरेज रहती है, तो यहां पे हम बोलेंगे कि प्रोसेसिंग के दौरान कुछ चीजें यहां पे जाती रहती हैं जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है, और जिन चीजों की जरूरत होती है वो यहां से आती रहती है ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, इनपुट्स है ठीक है, यूजर है, यूजर है वो कमांड देता है ठीक है, यूजर भी किसमें आएगा, एक कंप्यूटर सिस्टम में यूजर भी किसमें आएगा, इनपुट्स में आएगा, वो चीजें बताता है कि क्या करना है, इनपुट देता है, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है, कुछ चीजें बाद में होंगी, कंप्यूटर उसे डिले कर देता है, वो चीजें स्टोरेज में चली जाती है, या कुछ प्रोसेसिंग हो के कुछ डेटा स्टोरेज में चला जाता है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वापस वो प्रोसेसिंग में आता है ठीक है। तो जब हम एक ओवरऑल मॉडल ऑफ सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के साथ दो और एलिमेंट यानी फीडबैक और स्टोरेज की भी बात करेंगे, यानी कि फीडबैक एंड स्टोरेज की बात करेंगे ठीक है। तो यहां तक डियर हमने बात की जनरल मॉडल ऑफ सिस्टम की, और अभी बात करते करते एक टर्म मैंने और बोला था, मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स ठीक है। मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और ह्यूमन बॉडी को दो चीजें, दो टर्म यूज किए थे, एक टर्म यूज किया था ओपन, ओपन के बारे में अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओपन सिस्टम में जो सिस्टम होता है वो अपनी चारों ओर के एनवायरमेंट के साथ इंट्रैक्ट करता है ठीक है। ओपन सिस्टम में मैंने आपको ये बताया कि आउटपुट के रिगार्डिंग जो भी फीडबैक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग इनपुट चेंज होंगे ठीक है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए अपनी जो चीजें हैं उसे चेंज करनी पड़ती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आप बात करो मैकडोनल्ड की, जब 80s में मैकडोनल्ड इंडिया में आया था तो उस टाइम वो उसके जो सारी वैरायटी थी प्रोडक्ट्स थे वो आपके नॉन वेजिटेरियन थे ठीक है। और उस समय अगर हम इंडिया की बात करें तो एक पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा जो हुआ करता था वो वेजिटेरियन हुआ करता था ठीक है। तो उसे इतनी सक्सेस इंडिया में नहीं मिली, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग
अपने इनपुट्स को क्या किया, चेंज किया डियर, चेंज किया, और चेंज करने के बाद डियर वो कुछ वेज प्रोडक्ट्स के साथ आए इंडिया में वापस, और आज की डेट में वो क्या है, यहां इंडिया की मार्केट में सक्सेसफुली प्ले कर रहे हैं। तो आप यहां पे देख रहे हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए, ठीक है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ओपन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ये होता है जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रही हूं कि क्या चीजें होती हैं, कंपोनेंट्स एंड सबसिस्टम। कंपोनेंट्स, ठीक है, आईज नोज, ये क्या हो गया, कंपोनेंट्स हो गया। हार्ट को मैंने एक सबसिस्टम बोला, क्यों बोला, जस्ट बिकॉज हार्ट का अपना एक वर्क करने का अपना तरीका है, उसको हम फर्दर कई कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेन, ब्रेन एक वर्क करता है, वो एक सब सिस्टम है, उसको फर्दर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, या सब सिस्टम के अंदर सेकंड लेवल ऑफ सब सिस्टम हो सकता है। तो अगर कोई सिस्टम ऐसा होता है जब हम उसे तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो कंपोनेंट्स के साथ ही साथ सब सिस्टम भी निकलते हैं, ठीक है। सब सिस्टम को फर्दर सेकंड लेवल ऑफ सब सिस्टम या कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है, तो ऐसे सिस्टम को डियर हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है। ऐसे सिस्टम्स को हम डियर क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो सिस्टम का मॉडल है वो फिनिश होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं डियर, अपने इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम में कभी कभी अगर मैं बात करूं सिंपल मॉडल ऑफ सिस्टम, हम बात करें इनपुट की, इनपुट सिंगल हो सकता है, इनपुट सिंगल हो सकता है, प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट सिंगल हो सकता है, आउटपुट सिंगल हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी सिस्टम में मल्टीपल इनपुट्स या मल्टीपल आउटपुट्स हो, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट के साथ भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ आप देखोगे कि कभी कभी अगर हम देखें तो किसी काम को करने के लिए कई सारे इनपुट होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं, और आउटपुट भी कई हो सकते हैं। जैसे कि हम बिजनेस में बात करें तो कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में और भी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, एक ही कंपनी में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं और n नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल इनपुट पर भी प्रोसेसिंग होकर एक सिंगल आउटपुट आ सकता है, ठीक है, और n नंबर ऑफ इनपुट्स भी हो सकते हैं जिसके रिजल्ट n नंबर ऑफ आउटपुट्स भी हो सकते हैं, या n नंबर ऑफ इनपुट्स हो, ठीक है, और रिजल्ट के तौर पे एक सिंगल आउटपुट हो, तो ये भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में यहां पे हम देख रहे थे कि कैसे कितने नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स हो सकते हैं, तो आपने देखा सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट भी हो सकता है,
ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट्स भी हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर। इतनी सारी चीजों के बाद अब हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम या फीचर्स ऑफ सिस्टम। तो अब डियर आप इतना पढ़ चुके हो कि ये तो आप मुझे बताओगे कि अब इसमें मुझे क्या क्या लिखना चाहिए। सारी चीजें यहां पर हम देखेंगे डेफिनेशन से निकल कर आई हैं डियर, सारी वही चीजें हैं, सारी चीजें वहां पे डेफिनेशन से निकलकर आई हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखें डियर, आप बताओ क्या लिख सकते हैं। आपने देखा था सबसे पहले हमने क्या लिखा था, अ सेट ऑफ, किस चीज का सेट ऑफ, इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड। तो हम यहां पे लिखेंगे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। इंटर रिलेटेड मतलब कि जो चीजें हैं वो आपस में रिलेटेड होनी चाहिए। तो रिलेटेड की अगर हम बात करें, रिलेटेड कैसे कहेंगे, किस चीज को हम रिलेटेड कहेंगे, इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड किन चीजों को हम रिलेटेड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है, तो आप देखते हो हर एक कंप्यूटर सिस्टम की जो हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, उसकी क्या होती है, कंपैटिबिलिटी होती है उस कंप्यूटर के साथ। उसकी क्या होती है, कंपैटिबिलिटी होती है उस कंप्यूटर के साथ। मतलब कि अगर मैं पेंटियम 4 की बात करूं तो उससे रिलेटेड आज की डेट की जो और अच्छी क्वालिटी की जो हार्ड डिस्क आ गई है वो उसमें नहीं लग सकती है, उसकी कंपैटिबिलिटी है वो जो पुराने टाइप की हार्ड डिस्क आती थी उनके साथ। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड। ठीक है, जनरली आप देखते हो कि किसी एक प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, पेन और रिफिल की हम बात करें, पेन और रिफिल की बात करें, तो जो पेन का डिजाइन है उसकी, उसके अकॉर्डिंग जिस रिफिल की कंपैटिबिलिटी उसके साथ बैठती है वही लग सकती है। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर डिजाइन का रिफिल एक पर्टिकुलर डिजाइन के पेन के साथ क्या होगा, इंटर रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जब भी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इंटर रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, आप अगर एंड्रॉइड फोन की बात करो, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो, तो वहां पे आप देखते हो, ठीक है, कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी विंडोज के साथ होती है, एंड्रॉइड के साथ नहीं होती। कुछ एप्स होती है जिनकी कंपैटिबिलिटी केवल एंड्रॉइड के साथ है, विंडोज के साथ नहीं है। तो इन चीजों को आप क्या बोलोगे, यानी कि वो एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि वो आपस में साथ में काम कर सके, वो आपस में साथ में काम कर सके। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इंटर रिलेटेड तो पढ़ लिया, अब हमने क्या पढ़ा था, इंटर कनेक्टेड। ठीक है, तो दूसरे में हम देख सकते हैं
interrelated components interaction. तो हम यहां बात कर रहे हैं इंट्रैक्शन की, कि वो सारे कंपोनेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, इंट्रैक्टेड होनी चाहिए. इंट्रैक्टेड कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम करने के लिए मिस्टर ए और मिस्टर बी को लगा दिया, ठीक है, एक साथ लगा दिया. अब मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट. मतलब कि जब तक दोनों, मतलब ए काम नहीं करेगा तब तक बी का काम नहीं हो सकता, और जब तक बी काम नहीं करेगा तब तक ए का काम नहीं हो सकता, ठीक है. अब दोनों का शेड्यूल ऐसा है कि वो दोनों आपस में इंटरैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, आपस में मीटिंग नहीं कर पाते, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी चलो टाइम नहीं मिलता है. तो जब वो साथ में इंट्रैक्शन नहीं करेंगे तो कॉमन गोल कैसे अचीव करेंगे? या तो भाई उन दोनों के बीच एक क्या हो, कोऑर्डिनेटर हो, जो उनके वर्क को क्या करवाए, कोऑर्डिनेट करवाए, ठीक है, उन दोनों के वर्क को इंट्रैक्ट करवाए. इंट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है, बिना इंट्रैक्शन के काम नहीं हो सकता है. तो चीजें जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, तभी वो एक पर्टिकुलर काम जो है वो क्या है, किया जा सकता है. तो आप यहां पे देख रहे हो सेकेंड पॉइंट में कि जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का, इंट्रैक्शन होना बहुत जरूरी होता है. इंट्रैक्शन होना बहुत जरूरी होता है. नेक्स्ट, आगे हम बढ़ते हैं. तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा हमने देखा था इंटर डिपेंडेंसीज. एमंग सिस्टम्स पार्ट्स, ठीक है, जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में क्या होनी चाहिए, डिपेंडेंसी होनी चाहिए, वो एक दूसरे पे निर्भर करते हों, ठीक है. जैसे कि अभी हमने ए और बी का एग्जाम्पल लिया, अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो वो एक कॉमन गोल को कैसे अचीव करेंगे, ठीक है. एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, काम को बांटते हैं. जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने लिया था फैमिली क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है. तो पेरेंट्स जो होते हैं, फादर मदर जो होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि मदर इंटरनल मैनेजमेंट को संभालती है, ठीक है, और फादर अर्न करके लाते हैं, ठीक है. दोनों ही काम ऐसे हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता है, ठीक है. तो ये चीज क्या है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, उन्हें आपस में क्या होना चाहिए, इंटर डिपेंडेंट होना चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए. इसके बाद हमने लास्ट में डेफिनेशन में क्या पढ़ा था डियर, हमने लास्ट में क्या देखा था डेफिनेशन में, कि सारी जो चीजें हैं उन सब का अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब क्या काम कर रही हैं, ग्रुप इंटरेस्ट के लिए काम कर रही हैं. यानी कि वहां पे आप क्या देख रहे थे, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उन सारी जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सब के सब एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन सब के सबका जो ऑब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर गोल है जिसके लिए वो मिलकर काम कर रहे हैं. तो डियर, ये हम देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम. यहां पे हमने वही जो डेफिनेशन, हमने जनरल डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वहीं से हमने क्या निकाले, फीचर्स निकाले. हमने पहले देखा इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है. अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो काम नहीं बनेगा. इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे एक पर्टिकुलर डिजाइन का पेन है तो उसमें उसी से रिलेटेड जो कंपैटिबल रिफिल होगी वही लगेगी. तो चीजें क्या होनी चाहिए, इंटर
रिलेटेड होनी चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम होता है, ठीक है, तो अलग अलग मॉडल के कंप्यूटर सिस्टम के लिए उसके अकॉर्डिंग जो कंपैटिबल, ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क होती है वो आता है। अब एक पर्टिकुलर मोबाइल है, ठीक है, उस मोबाइल पे जो पिन लगाने के लिए जो यूएसबी जो भी है वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग कंपैटिबल होना चाहिए चार्जर। अदरवाइज हर एक चार्जर हर एक मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पिन की अलग अलग डिजाइन होती है, ठीक है। ऐसे ही हम अगर बात करें इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन यानी कि इंटरकनेक्टेड या इंट्रैक्शन, ठीक है, चीजों में अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए सारे एलिमेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं तो उनका इंट्रैक्शन होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर दो चीजें आपस में खुद इंट्रैक्शन नहीं कर सकती हैं तो इंट्रैक्शन के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेटर बैठाए जाते हैं जो दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन का काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, क्योंकि मिलजुल कर ही काम होता है, ठीक है। इसके बाद इंटरडिपेंडेंसीज, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अकेले, ठीक है, वो पूरा काम नहीं संभाल सकते हैं। एक पर्टिकुलर गोल को पूरा करने के लिए जो उसके वर्क के जो हमने छोटे छोटे कामों में बांटा है, पूरा एक बड़ा काम चाहने के लिए जो हमने चीजों को छोटे छोटे कामों में बांटा है, वो अलग अलग एलिमेंट्स के पास वो काम रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक का काम दूसरे के काम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इंटरडिपेंडेंट जो है पार्ट जो होते हैं सिस्टम के, या एलिमेंट्स कह लीजिए या डियर कंपोनेंट्स कह लीजिए, वो सारे के सारे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक का काम पूरा होगा, ठीक है, तभी दूसरा काम कर पाएगा। ये चीज हुई, और सारे एलिमेंट्स कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। तो इसके आगे हम और देखते हैं सिस्टम के, हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। लास्ट जो आउटलाइनिंग मैंने आपको दी थी उसमें हमने देखा था, क्या हम स्टडी कर रहे थे, हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात कर रहे थे। सिस्टम को हम कितने टाइप्स में बांट सकते हैं पहले हम ये देखें, तो अब हम इसमें देखेंगे लार्ज और स्मॉल सिस्टम, लार्ज और स्मॉल सिस्टम, एब्स्ट्रैक्ट और फिजिकल सिस्टम, एब्स्ट्रैक्ट और फिजिकल सिस्टम, नेचुरल और मैनमेड सिस्टम। इतने टाइप्स के सिस्टम की हमें यहां पे स्टडी करनी है। अब हम इसे एक एक करके उठाते हैं। तो फर्स्ट वन हम देख रहे हैं लार्ज और स्मॉल सिस्टम। लार्ज और स्मॉल सिस्टम की बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो डिफरेंसिएशन हमने किया है ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन साइज, सिस्टम के साइज पर बेस्ड है। और हम यहां पे देखते हैं कोई सिस्टम या तो लार्ज सिस्टम होगा या स्मॉल सिस्टम होगा। अभी हमने बात की ह्यूमन बॉडी की, वो किस में आएगी, वो आएगी लार्ज सिस्टम में। और हम लार्ज सिस्टम में किसकी बात कर सकते हैं, इकोसिस्टम, हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं,
वो क्या है? वो भी क्या है? लार्ज सिस्टम. तो लार्ज सिस्टम हम क्यों बोल रहे हैं? लार्ज सिस्टम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर इनपुट्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, उन पर प्रोसेसिंग होती है. या तो एक सिंगल आउटपुट हो सकता है या एन नंबर ऑफ आउटपुट हो सकते हैं. तो यहां पे हम देखेंगे ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? लार्ज सिस्टम के. स्मॉल सिस्टम, स्मॉल सिस्टम आप एग्जाम्पल ले सकते हो अलार्म क्लॉक. अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक क्या होता है? एक स्मॉल सिस्टम होता है. स्मॉल सिस्टम उसमें आप क्या करते हो? उसमें आप केवल क्या करते हो? टाइम सेट कर देते हो, इनपुट दे देते हो और टाइम पे क्या है, जो भी टाइम सेट करते हो उस पे अलार्म बज जाता है. तो वो क्या है? एक स्मॉल सिस्टम का एग्जाम्पल है. अब जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या यूज होता है? आपने सुना होगा ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है, जो सिस्टम है वो यूज होता है. SAP सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है. जितनी भी ब्रांडेड बड़ी कंपनीज है इसमें SAP का यूज होता है ऑपरेशंस के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पे. तो वो ERP या SAP क्या है? वो है लार्ज सिस्टम. अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं इंट्रानेट की, ठीक है, इंट्रानेट की, छोटे से नेटवर्क की, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? स्मॉल सिस्टम. यानी कि यहां पे हम डिवीजन कर रहे हैं किस पे बेस होके? सिस्टम के साइज पर बेस होकर हम यहां पे डिवीजन कर रहे हैं लार्ज और स्मॉल. तो एक सिस्टम, यहां पे आपने अगर देखा हो तो मैंने और टर्म यूज किया है. तो या तो एक सिस्टम या तो लार्ज होगा या तो डियर स्मॉल होगा. ठीक है, तो साइज पे बेस्ड होके हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सिस्टम का लार्ज और स्मॉल. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर अगर हम देखें, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर देखें, तो ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन एलिमेंट्स. स्ट्रैक्ट सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जो कि फिजिकल नहीं है, आप लिख सकते हैं नॉन फिजिकल सिस्टम. अगर कोई सिस्टम है जो केवल पेपर में एग्जिस्ट करता है, जिसकी हमने डिजाइनिंग कर रखी है, ठीक है, कि ये एक पर्टिकुलर सिस्टम इस स्पेसेस में वर्क करेगा, इस तरीके से वर्क करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. ठीक है, और जब उस सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिजिकल सिस्टम पे. तो आप ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम जब बनता है तो उसके डिजाइनिंग फेज को, जब वो सिस्टम पेपर पेन मोड पे डिजाइन किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, जिसे कि हम छू नहीं सकते, इंटेंजिबल फॉर्म में है, ठीक है, देख नहीं सकते, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, जिसे हम फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल सिस्टम. तो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जब सिस्टम डिजाइनिंग फेज में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, तो कोई पेपर पर डिजाइन बनाया, फ्लो चार्ट बना है, मैप बना है, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बोलेंगे. या आप एग्जांपल ले सकते हो,
हार्ट का, ठीक है, जो हार्ट बीट्स होती है वो क्या है, फील की जाती है। तो हार्ट बीट्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, ठीक है, लेकिन जो हार्ट है वो जब प्रॉपर वर्क करता है वो हार्ट क्या है, फिजिकल सिस्टम, ठीक है। तो जिस चीज को महसूस करते हैं लेकिन उसे हम फिजिकली देख नहीं सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बोलते हैं, और जिसे हम फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फिजिकल सिस्टम। तो एलिमेंट्स के नेचर पर बेस्ड होके ये क्लासिफिकेशन हुआ है कि जो सिस्टम के एलिमेंट्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स हैं कि फिजिकल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है वो बेस्ड है इंट्रैक्टिव बिहेवियर पे, ठीक है, कि जो सिस्टम है वो कैसे एनवायरमेंट के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, वो कैसे एनवायरमेंट के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, और इस पे बेस्ड होके सिस्टम को दो पार्ट में बांट सकते हैं, ओपन सिस्टम जिसकी अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या हुआ, ओपन सिस्टम अगर हम देखें, तो आपने देखा कि इनपुट्स होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट्स होते हैं, इनपुट्स, प्रोसेसिंग, आउटपुट्स। ये जो इनपुट हैं ये आते कहां है, और ये जो आउटपुट है ये जाते कहां है, ये जो मैं लाइन बना रही हूं ये कहलाएगी सिस्टम की बाउंड्री, ये कहलाएगी सिस्टम की बाउंड्री, और इसके चारों ओर ये जो आप देख रहे हैं ये है इस सिस्टम का एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ये है आपका एनवायरमेंट। ये है आपका एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में ये सिस्टम वर्क करता है, एग्जिस्ट करता है। ये इनपुट्स अपने कहां लेता है, अगर मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट में कौन कौन होगा, कस्टमर, और कौन होगा, गवर्नमेंट, सप्लायर, ये सब एक बिजनेस का क्या होंगे, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये सब क्या होंगे, एक बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इनपुट कहां से लेते हैं,
एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल कहां से आता है? फाइनेंशियल मार्केट से. फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एनवायरमेंट. एनवायरमेंट से इनपुट लेते हैं. मैन आता है, ह्यूमन रिसोर्स आता है, वो कहां से आता है? एनवायरमेंट से आता है. कैपिटल कहां से आता है? एनवायरमेंट से आता है. ये सिस्टम एनवायरमेंट से इनपुट लेके उस पर क्या करता है? प्रोसेसिंग. और प्रोसेसिंग करके आउटपुट क्या बनाता है? गुड्स एंड सर्विसेज. और वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर और कस्टमर. ठीक है, ये कंज्यूम करता है. तो इसका मतलब ये लगातार जो ओपन सिस्टम है ये क्या करता है? ये एनवायरमेंट के साथ क्या करता है? इंट्रैक्ट करता है. अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको मैकडॉनल्ड का. वहां पे आपने देखा कि मैकडॉनल्ड ने क्या किया था. मैकडॉनल्ड ने इंडिया के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट्स में चेंज लाया था. इसका मतलब वो जो था उसका जो सिस्टम था वो किसके साथ इंट्रैक्ट कर रहा था? एनवायरमेंट के साथ इंट्रैक्ट कर रहा था. यानी कि एक ओपन सिस्टम में जो गुड्स एंड सर्विसेज है, आउटपुट है, वो एनवायरमेंट के साथ क्या करते हैं? इंट्रैक्ट करते हैं. और उसके अकॉर्डिंग फीडबैक जाता है और जो है इनपुट्स को भी क्या है? चेंज होना पड़ता है अगर फीडबैक पॉजिटिव नहीं है तो. पॉजिटिव है तो सेम इनपुट्स चलते रहेंगे, पॉजिटिव नहीं है तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनपुट्स चेंज हो जाएंगे. तो आपने यहां पर देखा है कि सिस्टम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है? अडैप्ट करता है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम. तो ओपन सिस्टम पे हम देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं. ओपन सिस्टम में हम क्या लिख सकते हैं? पहली चीज मैंने आपको क्या बताई? ओपन सिस्टम में मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम होता है वो एनवायरमेंट के साथ क्या करता है? इंट्रैक्ट करता है. मैं यहां पर ऊपर लिख रही हूं. तो आपने देखा कि ओपन सिस्टम में जो आपका सिस्टम होता है वो इंट्रैक्ट करता है एनवायरमेंट के साथ. क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि सेम चीज जो आपके इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट्स जो होते हैं मान लीजिए ये सिस्टम की बाउंड्री है और इसके चारों ओर ये एनवायरनमेंट है. तो यहां पे जो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट है ये इस
एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे होंगे, ये इस एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे होंगे, इनके इनपुट या आउटपुट जो है वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडैप्ट नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, आपने वेबसाइट में देखा होगा डायनेमिक एंड स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें कंटेंट टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। स्टैटिक वेबसाइट यानी कि कंटेंट वही सेम रहना है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टैटिक वेबसाइट जब यूजर को बना के दी जाती है तो उसमें वो चेंजेस नहीं कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक वेबसाइट यानी कि क्लोज सिस्टम, ठीक है। पहले क्या था, अगर टैली टैली आता था तो टैली में, ठीक है, कुछ भी अगर चेंजेस आए, टैक्स के रिगार्डिंग चेंजेस आए, चीजें आई, ठीक है, वैट के रिगार्डिंग जो चेंजेस आए, क्या यूजर टैली को उस वैट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब टैली क्या हुआ, क्लोज सिस्टम। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैली जो कॉर्पोरेशन बना रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ओपन है, लेकिन यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उस सिस्टम में चेंज नहीं कर सकता है। तो अगर वो उस सिस्टम में चेंज नहीं कर सकता है तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, क्लोज सिस्टम। इसलिए आज की डेट में आप देखेंगे जब भी सॉफ्टवेयर बनाने को दिए जाते हैं तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डेटाबेस बेस्ड होते हैं, ओरिकल बेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेटाबेस ओरिकल बेस्ड जो रहते हैं, एसक्यूएल बेस्ड जो सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। लेकिन अगर जो सॉफ्टवेयर है और जिसे आपने क्या है, क्लोज सिस्टम के तौर पे बनवाया, यानी कि आप उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अगर नीड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो हमेशा चेंज नहीं होगा। जिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने बनवाया होगा उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम, ठीक है। यानी कि ये जो सिस्टम है ये एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, जबकि ओपन सिस्टम एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। तो इसी चीज को समझते हुए हम एक एक फीचर देखते हुए चलते हैं, यहां पर एक एक फीचर देखते हुए चलते हैं। तो क्लोज सिस्टम में हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज सिस्टम में हम लिख सकते हैं डज नॉट इंटरैक्ट विद एनवायरमेंट। Does not interact with environment. आपने देखा कि ओपन सिस्टम में सिस्टम जो था वो एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा था, क्लोज सिस्टम में सिस्टम जो है वो एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब जैसा कि मैंने आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताया था, जैसा फीडबैक होता है कस्टमर का उसके अकॉर्डिंग कंपनी, अगर फीडबैक नेगेटिव है तो कंपनी अपने इनपुट्स को क्या करती है, चेंज करती है। यहां पे आपने ओपन सिस्टम में देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन इनपुट कहां से लेती है, इनपुट कहां से लेती है, एनवायरमेंट से लेती है। तो हम लिख सकते हैं टेक्स इनपुट फ्रॉम एनवायरमेंट takes input from environment and output कहां जाता है, output भी कहां जाता है,
एनवायरमेंट को जाता है। क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में क्या लिखेंगे? क्लोज सिस्टम में ना इनपुट एनवायरमेंट से आता है, ना ही आउटपुट जो है वो एनवायरमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। और क्या चीजें हम देख सकते हैं यहां पर? ओपन सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है, जो भी एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आया तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। और क्लोज सिस्टम जो रहता है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अब एक बात बताइए, अभी मैंने बोला था कि चेंजेस के साथ अडैप्ट होना, चेंजेस के साथ अडैप्ट अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका जो लाइफ टाइम है वो क्या है? बढ़ता है। ठीक है, आपने कई जगह देखा होगा कि जो टेक्नोलॉजी है, अब अगर हम बात करें पुराने जमाने के टेलीविजन की, तो उनकी स्क्रीन जो थी, उनका जो साइज था वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ठीक है, आज की डेट में एलईडी आ रहे हैं, तो अगर कोई कंपनी उस पुराने डिजाइन का टेलीविजन बनाती है तो क्या वो आज की डेट में सर्वाइव करेगी? सर्वाइव नहीं करेगी। तो हम देखेंगे कि जो ओपन सिस्टम होता है, जो ओपन सिस्टम होता है उसकी लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ जो है, लाइफ स्पैन जो है वो थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें किससे? क्लोज सिस्टम से, क्योंकि क्लोज सिस्टम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडैप्ट नहीं करता है तो वो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। इसलिए आज की डेट में मार्केट में जो सॉफ्टवेयर्स की डिमांड है, वो सॉफ्टवेयर की डिमांड कैसे सॉफ्टवेयर की है? ऐसे सॉफ्टवेयर की है जो कि यूजर के नीड के अकॉर्डिंग क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, चेंज हो जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर की है। जो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं हमेशा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, वैसे ही सॉफ्टवेयर की डिमांड कम हो चुकी है। तो आज की डेट में जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर होते हैं, यूजर अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकता है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। तो जो लाइफ टाइम है ओपन सिस्टम का वो क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है, लॉन्गर होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे रीजन, क्योंकि वो चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? अडैप्ट, अपने आप को ओपन सिस्टम क्या करता है? अडैप्ट कर लेता है। तो इनका लाइफ टाइम क्या होता है? लॉन्गर रहता है। जबकि हम क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें, जबकि हम अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो इनका जो लाइफ टाइम है वो क्या रहता है? शॉर्टर रहता है, वो शॉर्टर रहता है, क्योंकि वो चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडैप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, ओपन सिस्टम जो होता है वो नोन और अननोन इनपुट्स दोनों को लेता है। कभी कभी ओपन सिस्टम में कुछ ऐसे भी इनपुट्स आते हैं जो अननोन होते हैं और पता भी नहीं लगता है, सिस्टम अपने आप को उनके अकॉर्डिंग क्या कर लेता है? अडैप्ट कर लेता है, अपनी चीजों को ऑटोमेटिकली अडैप्ट कर लेता है। तो आप ओपन सिस्टम में देखोगे कि वो नोन और अननोन इनपुट्स, ठीक है, दोनों टाइप के इनपुट्स को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो क्लोज सिस्टम होगा वो केवल नोन इनपुट को ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो क्या है? क्लोज है। तो अननोन इनपुट उसमें एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे अगर हम एग्जांपल लें
सॉफ्टवेयर की, कोई हमने सॉफ्टवेयर बनाया डिस्काउंट कैलकुलेशन का, हमने डिस्काउंट रेट वहां पे फिक्स कर दिया है 15%, ठीक है। अब वो क्लोज सिस्टम कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर बना के दिया उसमें 15% फिक्स्ड है, अब हम वहां पे परसेंटेज यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। अगर यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस डिस्काउंट रेट को 10 या 20 कर सकता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम, ठीक है। तो जो ओपन सिस्टम होता है वो नॉन इनपुट के साथ साथ अननोन इनपुट्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो क्लोज सिस्टम होता है वो केवल नॉन इनपुट्स को ही एक्सेप्ट करता है। मैंने आपको बताया था ओपन सिस्टम को हैंडल करना क्या है। आप देखोगे ओपन सिस्टम को हैंडल करना कॉम्प्लेक्स। ओपन सिस्टम जनरली क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? यहां पे मेंटेनेंस करना क्या होता है? मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जनरली इसमें जैसा कि आप ऊपर देख रहे थे कि नॉन इनपुट के साथ साथ क्या है, अननोन इनपुट्स भी आते रहते हैं, तो अब तुम खुद सोचो प्रोसेसिंग भी क्या होगी? अननोन के अकॉर्डिंग अडेप्ट होगी, चेंज होगी, ठीक है। उसका इंपैक्ट किस पे आएगा? आउटपुट पे आएगा। तो अब तुम खुद बताओ कि ओपन सिस्टम को हैंडल करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स का काम है कि क्लोज सिस्टम को हैंडल करना कॉम्प्लेक्स का काम है? अगर मैं ओपन से कंपैरिजन करूं तो क्लोज सिस्टम को हैंडल करना इजी है। रीजन कि यहां पे जो इनपुट्स हैं वो क्या है? नोन है। अननोन इनपुट्स यहां पर नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा सिलेबस छोटा सा है और उस सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, पेपर जो है उसी में से आएगा, उसी सिलेबस में से आएगा, तो वो हैंडल करना क्या होता है? इजी होता है। लेकिन जहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेबस के बाहर से भी आने वाले हैं, यानी अननोन भी आने वाले हैं, उन चीजों को हैंडल करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। तो ओपन सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ओपन सिस्टम को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, यहां कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। लेकिन ओपन सिस्टम से अगर हम क्लोज सिस्टम का कंपैरिजन करें तो इसे मेंटेन करना क्या है? इजी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो क्लोज सिस्टम है उसे मेंटेन करना क्या है? इजी है। और जबकि यहां कॉम्प्लेक्स रहता है, इसे मेंटेन करना। तो ये हमने देखा ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक हमारा लास्ट बचा हुआ है टाइप्स ऑफ सिस्टम में, लास्ट बचा हुआ है, हमने देख 4 बेस पे सिस्टम को डिवाइड किया था। तो फोर्थ वन हम देखें, ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो ये क्या है? नेचुरल सिस्टम। इकोसिस्टम की हम बात करें तो ये क्या है? नेचुरल सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करें तो ये क्या है? मैनमेड सिस्टम। यानी कि यहां पे हमारा जो डिवीजन का जो बेस था, क्लासिफिकेशन का जो बेस था, वो था क्रिएशन, कि उस सिस्टम को बेसिकली बना कौन रहा है, ठीक है, वो ह्यूमन ने बनाया है कि वो सिस्टम नेचुरल है। तो इस बेस में हम सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल सिस्टम और मैनमेड सिस्टम। जो सिस्टम ह्यूमन ने बनाया है उसे हम बोलते हैं मैनमेड सिस्टम, और जो सिस्टम नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम। तो यहां पे हमने अपना सिस्टम का सफर पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। यहां पे हमारा सिस्टम का कॉन्सेप्ट खत्म होता है,
ऐसे हमने कई पड़ावों में देखा। एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें देखी। तो आप देखोगे कि सबसे पहले हमने सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया। कॉन्सेप्ट में हमने देखा पहले एक जनरल व्यू, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का ध्यान नहीं रखा, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम को ना सोचते हुए केवल हमने सिस्टम वर्ड स्टडी किया। तो हमने डेफिनेशन क्या देखी, हमने डेफिनेशन देखी अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड मतलब एक दूसरे से संबंधित, इंटरकनेक्टेड यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए, जिनमें आपस में इंट्रैक्शन हो, एंड इंटरडिपेंडेंट जो कि एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स का सेट जब मिलकर काम करता है, क्यों मिलकर काम करता है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। फिर इसमें हमने एग्जाम्पल लिया ह्यूमन बॉडी का, कंप्यूटर सिस्टम का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उन सब में हमने देखा कि कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स थे जो मिलकर काम कर रहे थे। क्यों मिलकर काम कर रहे थे, एक पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे थे। इसके बाद हम थोड़ा सा टेक्निकल फेज में गए और हमने इन्हीं चीजों को थोड़े से और शब्द दिए। हमने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने बोला इनपुट, ठीक है, वर्किंग टुगेदर मिलकर काम करते हैं उसे हमने बोला प्रोसेसिंग, ठीक है, और जो गोल था, जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था, उसे हमने बोला आउटपुट, ठीक है। इसे स्टडी करने के बाद हम गए जर्नल मॉडल ऑफ सिस्टम पे। वहां पे हमने इनपुट यानी कि जो एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है, प्रोसेसिंग जो हम वो सारे एलिमेंट्स मिलकर जो काम कर रहे हैं, आउटपुट जो एक पर्टिकुलर गोल पूरा हो रहा है, उसके बाद दो और एलिमेंट्स स्टडी किए। हमने बात की फीडबैक की और हमने बात की स्टोरेज की। फीडबैक की बात करते हुए हमने देखा कि ओपन सिस्टम क्या होता है। हमने एग्जाम्पल लिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूमर का टेस्ट होता है, प्रेफरेंसेस में जो भी चेंज आता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसके अकॉर्डिंग मतलब कि आउटपुट के लिए जो भी फीडबैक आता है उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट्स को चेंज करते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनपुट को चेंज करते हैं, यानी कि वो सिस्टम एनवायरमेंट के साथ इंट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो फीडबैक एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे सिस्टम का। उसके बाद हमने बात की स्टोरेज की, ठीक है, जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं कुछ भी वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP है, या कुछ जो है जरूरतें हैं जो कि जिनकी प्रोसेसिंग में जरूरत नहीं है तो वो कहां रहेंगी, स्टोरेज में, और जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो स्टोरेज से प्रोसेसिंग में आ जाएंगी। जैसा कि आप कंप्यूटर सिस्टम में देखा करते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है उनकी, वो कहां स्टोर रहती है, वो स्टोरेज में स्टोर रहती है, जब उनकी जरूरत होती है तो उन्हें प्रोसेसिंग में रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज किया जाता है। तो हमने जनरल मॉडल ऑफ सिस्टम में कंपोनेंट्स देखे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फीडबैक एंड स्टोरेज। इतना स्टडी करने के बाद हम फिर गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम पे, यानी कि फीचर्स ऑफ सिस्टम पे। हमने वही डेफिनेशन के पार्ट्स निकाले। हमने कहा कि सबसे पहले हम रिसोर्सेस को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने के बाद ही सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि ऑर्गेनाइज करने के बाद जो इंटर रिलेटेड है उसे ऑर्गेनाइज करने के बाद उन एलिमेंट्स में क्या होना जरूरी है, इंट्रैक्शन होना जरूरी है। बिना इंट्रैक्शन के, ठीक है, वो जो सिस्टम का काम है बिना कोऑर्डिनेशन के वो पूरा नहीं हो सकता है। इंट्रैक्शन के बाद हमने एक और चीज डेफिनेशन से उठाई, इंटरडिपेंडेंसीज, कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के काम के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इसके बाद लास्टली हमने फीचर देखा कि वो सारे एलिमेंट्स एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। तो डियर, यहां तक हमारा सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, फेजेस वाइज जो है वो पूरा हो गया। इसके बाद हमने लास्टली देखा टाइप्स ऑफ सिस्टम,
टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमने चार चीजों के बेस पे सिस्टम को अलग अलग डिवाइड किया. सबसे फर्स्ट हमने देखा साइज के अकॉर्डिंग, तो कितने टाइप के सिस्टम थे, दो टाइप के सिस्टम थे, लार्ज सिस्टम था एंड स्मॉल सिस्टम था. लार्ज सिस्टम जैसे कि हम ईआरपी की बात कर ले, सैप की बात कर ले, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, स्मॉल सिस्टम अलार्म क्लॉक की बात कर ले, ये क्या है, एक स्मॉल सिस्टम है. इसके बाद हमने देखा कि एलिमेंट्स के नेचर पे अगर बेस्ड होके हम डिवीजन करें तो हम सिस्टम को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड फिजिकल. एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में क्या था कि हमने बेसिकली डिजाइन अगर किसी सिस्टम को कर रखा है लेकिन वो नॉन फिजिकल है, ठीक है, उसे वेरीफाई देखा नहीं जा सकता है, फिजिकली वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. तो जनरली क्या होता है कि सिस्टम बनने के पहले, फिजिकल फॉर्म में आने के पहले पहले किससे होकर गुजरता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से. अगर किसी सिस्टम को हमने पेपर पेन मोड पे डिजाइन कर रखा है तो वो क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. और जब वो फिजिकली पूरा बन के तैयार हो जाता है, फिजिकल फॉर्म में आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल सिस्टम. इसके बाद हमने बात की इंट्रैक्टिव बिहेवियर के अकॉर्डिंग. बेस्ड ऑन इंट्रैक्टिव बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने देखा कि सिस्टम को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम. ओपन सिस्टम जहां पे जो सिस्टम है वो एनवायरमेंट के साथ इंट्रैक्ट करता है, जो चीज अभी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आगे देख रहे थे, जो इनपुट उठाता है एनवायरमेंट से और आउटपुट देता है एनवायरमेंट को, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम. और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपने इनपुट चेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम. जबकि क्लोज सिस्टम में जो सिस्टम होता है वो एनवायरमेंट के साथ इंट्रैक्ट नहीं करता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये एनवायरमेंट के साथ इंट्रैक्ट करता है इसलिए इसकी लाइफ क्या होती है, लॉन्ग होती है. ये सर्वाइव करने के लिए अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, चेंज करता है. जबकि अगर हम क्लोज सिस्टम से कंपैरिजन करें तो क्लोज सिस्टम अपने आप को एनवायरमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता है, जिसके कारण वो डेड हो जाता है, ठीक है. यहां पे नोन और अननोन दोनों टाइप के इनपुट्स आ सकते हैं. कुछ चीजें होती है जो कभी कभी पता भी नहीं होती है, फिर भी जो सिस्टम होता है वो अपने आप को उन चीजों के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है. जबकि क्लोज सिस्टम में कोई भी अननोन इनपुट नहीं आ सकता है, ठीक है. इसे क्योंकि यहां पे अननोन इनपुट्स भी आ जाते हैं, इसलिए ओपन सिस्टम के साथ डील करना, उसे मेंटेन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहां पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है. जबकि क्लोज सिस्टम में क्योंकि इनपुट हमेशा नोन होंगे इसलिए इसके साथ डील करना क्या होता है, इजी होता है. तो यहां पे हम देख रहे थे ओपन एंड क्लोज सिस्टम. उसके बाद लास्टली हमने देखा कि क्रिएशन के बेस पे हम सिस्टम को दो टाइप से बांट सकते हैं, नेचुरल सिस्टम एंड मैनमेड सिस्टम. जो सिस्टम नेचुरली क्रिएट हुए हैं जैसे ह्यूमन बॉडी, जैसे कि हम इकोसिस्टम की बात कर ले, और मैनमेड सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम बात कर ले, हम बात कर ले कंप्यूटर सिस्टम की, ये सारे सिस्टम क्या है, ह्यूमन ने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मैनमेड सिस्टम. और नेचुरल सिस्टम जो नेचुरली बने हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम. तो यहां तक डियर हमने पूरा सिस्टम के बारे में स्टडी किया. अब हम जहां पे भी सिस्टम वर्ड यूज करेंगे वहां पर हम प्रॉपर, हमारा माइंड ओपन हो चुका है, हमारा माइंडसेट ओपन हो चुका है, अब हम उन चीजों को इनपुट प्रोसेस आउटपुट के फॉर्म में क्या है सोचेंगे, और हम ये डिसाइड करेंगे कि ये चीज सिस्टम है कि ये चीज सिस्टम नहीं है, ठीक है. ओके, थैंक यू डियर.